हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ पम्मी। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन बादाम रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी मिठाई है और फटाफट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं बेसन रोल को कैसे बनाया जाता है। एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, गैस चलाएंगे, गैस को लो मीडियम के बीच में रखेंगे। इसमें हाफ कप पिघला हुआ देसी घी डालेंगे और साथ में ही ये 1.5 कप बेसन हमने लिया है ये भी डाल देंगे। अब गैस को सिम पे कर देंगे और बेसन को भूनेंगे। लगातार कड़छी चलाएंगे ताकि बेसन की गुठलियां ना पड़े। शुरू शुरू में पहले बेसन सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगा। गैस को हमने सिम पे ही रखना है, ऐसे दबा दबा के इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। बेसन ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे 20 से 25 मिनट लगेंगे भुनने में, इसका कलर चेंज होने में, और अच्छे से ये भुना जाएगा। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है, कड़छी लगातार चलानी है ताकि नीचे नहीं लगे। बेसन को भूनते 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसे अभी और 10-15 मिनट हम भूनेंगे। और गैस को बिल्कुल सिम पे ही रखना है, बिल्कुल भी ऊंचा नहीं करना और बेसन को कच्चा नहीं रहने देना, नहीं तो आपकी मिठाई टेस्टी नहीं लगेगी। तो इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, कड़छी लगातार चलाएंगे। बेसन को भूनते 25 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, इसने घी छोड़ दिया है और नरम भी हो गया है। अब इसमें ये पिसी हुई छोटी इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, और ये 6-7 बादाम है और 6-7 काजू हैं, उनको बारीक कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पैन भी हमारा बहुत गर्म है और बेसन भी बहुत गर्म है। अगर हमने पैन में ही इसे छोड़ा तो बेसन जल जाएगा, तो इसलिए हम इसे बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसे 80 से 90% ठंडा होने देंगे। बेसन 90% ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें ये हमने बूरा चीनी लिए है, आप इसके बदले ग्राइंड की हुई चीनी भी ले सकते हैं। तो बूरा चीनी होममेड है, इसका वीडियो लिंक भी स्क्रीन पे दिया गया है। गरम बेसन में चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, नहीं तो चीनी पिघल जाएगी और बेसन नरम हो जाएगा और आपके रोल्स बराबर नहीं बनेंगे। अब इसमें ये बूरा चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये हमने 1/4 कप चीनी ली थी। अब इसे हाथ से अच्छे से गूंथ लेंगे। ऐसे हाथों से मसल मसल के इसे गूंथ लेंगे। अब सारे मिक्सचर को इकट्ठा कर लेंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। डो को फ्रिज में रखे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इसे थोड़ा सा ऐसे गूंथ लेंगे। अब इसके रोल्स बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ में लेंगे, इसे पहले गोल करेंगे। ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा। इसको सिलेंड्रिकल शेप देंगे, ऐसे लंबा करेंगे, फिर यहां से ऐसे साइड से दबा देंगे। ये बादाम हमने बारीक पीस लिए थे, इसको ऐसे इस पे कोट कर देंगे इसका, और एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह सारे रोल्स बना लेंगे।
हमारे सभी बेसन बादाम रोल्स तैयार हैं। अभी हम इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे तरह से सेट हो जाएं, फिर इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, बेसन बादाम रोल्स। आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।